गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को EVS का 7th chapter द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हो, वर्ल्ड मतलब होता है संसार, यानी कि संसार के जानवरों के बारे में इस लेसन में हम आप लोगों को पढ़ाऊँगी। देयर आर डिफरेंट एनिमल्स ऑन आवर प्लानेट। हमारे प्लानेट पर अलग अलग तरह के जानवर्स पाए जाते हैं। प्लानेट क्या होता है बच्चों? प्लानेट जैसे हमारा जो अर्थ है, एक प्लानेट है, इसी तरह से अदर 7 planets भी हैं और टोटल मिलाकर 8 planets हैं और उनमें से एक प्लानेट अर्थ है और हम सभी अर्थ पे रहते हैं और अर्थ पर एनिमल्स भी रहते हैं और जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। सम एनिमल्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। सम आर फाउंड ऑन लैंड एंड इन वाटर। दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज। कुछ जानवर बहुत बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। कुछ जानवर लैंड पे रहते हैं तो कुछ जानवर पानी में रहते हैं और ये सभी जानवर जो हैं इनका शेप अलग होता है और साइज भी अलग अलग होता है। वेरी बिग एनिमल्स, ये वेरी बिग एनिमल्स हैं। ये क्या है? ब्लू व्हेल, एलिफेंट, ऑस्ट्रिच। ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। अर्थ पर सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल है। बिग एनिमल्स, राइनोसोरस, लायन, टाइगर, हाइपोपोटामस। स्मॉल एनिमल्स, डॉग, फॉक्स, मंकी। व्हेन अ जॉय बेबी कंगारू इज बॉर्न, इट इज ओनली 2 centimeters लॉन्ग एंड वेज लेस देन 1 gram। जब कंगारू के बच्चे जन्म लेते हैं तो वे केवल और केवल 2 centimeters के होते हैं और उनका वेट जो है 1 gram से भी कम होता है। वेरी स्मॉल एनिमल्स, एंट, रैट, बटरफ्लाई, मॉस्किटो। एनिमल्स डिफर इन शेप्स। ये फिश है। फिश हैव ए स्ट्रीम लाइन बॉडी। फिश का जो बॉडी होता है स्ट्रीम के जैसा होता है, यानी कि सीप जो होते हैं ना, जो पानी में चलते हैं, तो सीप का भी शेप ऐसे ही होता है। तो जो स्ट्रीम पानी में चलते हैं उनका शेप भी फिश के जैसा ही होता है, यानी कि फिश का जो शेप होता है वो बोट और स्ट्रीम के जैसा होता है। वर्म्स एंड स्नेक्स हैव इलोंगेटेड बॉडीज। ये वर्म्स हैं और ये स्नेक जो कि ये लंबे होते हैं, इनका बॉडी जो होता है लंबा होता है, आप रियल में भी देखे होंगे। बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज विथ हॉलो बोन्स। ये जो बर्ड्स हैं इनके जो हड्डी होती है, बोन्स होती है, वो हॉलो होता है, यानी खाली बोन्स होते हैं, जिसके वजह से इनका जो वेट होता है बहुत हल्का होता है और ये उड़ पाते हैं। लोबस्टर है ये और ये ऑक्टोपस। सम एनिमल्स लाइक क्रैब, लोबस्टर, ऑक्टोपस एंड स्टारफिश हैव अनयूजुअल शेप्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे क्रैब, स्टारफिश, इनका जो शेप होता है यह असामान्य होता है। ये देखिए कैसा है, स्टार के जैसा है, इसीलिए इसका नाम भी स्टारफिश पड़ा है। ये देखिए ऑक्टोपस है, यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था ऑक्टोपस, स्टारफिश। मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, ऑल एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। फिश मूव इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स, दे डू नॉट हैव लेग्स। जानवरों का जो मूवमेंट होती है उसके बारे में बताया गया है।
सभी एनिमल्स जो हैं अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, वॉक करते हैं, घूमते हैं। उनमें से जो फिश है जो पानी में रहता है वह अपने फिन्स के सहयोग से तैरता है और उसके पास यानी फिश के पास कोई पैर नहीं होता है, जैसा कि ये फिश है और ये जो है ना इसी को हम फिन्स बोलते हैं ये सब। तो इस फिन्स के हेल्प से फिश जो है यानी मछली पानी में तैरती है। स्नेक्स एंड अर्थ वर्म्स डू नॉट हैव लेग्स, दे रिंगल ऑन द ग्राउंड। स्नेक और ये देखिए ये भी स्नेक है और वर्म्स हैं अर्थ वर्म्स, इनके पैर नहीं होते, ये धरती पर चलते हैं यानी कि रिंगल करते हैं, इसको क्रॉलिंग भी बोल सकते हो। एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस एंड स्टारफिश हैव एट लेग्स, ऑक्टोपस और स्टारफिश के एट लेग्स मैंने आठ पैर होते हैं। मोस्ट लैंड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस गोट्स डॉग्स एंड जेब्रास हैव फोर लेग्स टू वॉक एंड रन। अधिकतर जो धरती पर रहने वाले जानवर होते हैं जैसे हॉर्स गोट जेब्रा इन सभी का फोर लेग्स होते हैं और इन्हीं से वे चलते हैं और दौड़ते हैं। इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स, सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। इंसेक्ट्स के सिक्स लेग्स होते हैं यानी छः पैर होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स के उड़ने के लिए पंख भी होते हैं। बर्ड्स हैव टू लेग्स विच हेल्प देम टू पर्च ऑन ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, दे हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स के दो लेग्स होते हैं जो पेड़ के ब्रांच पर कूदने के लिए कूदने में हेल्प करता है, फुदकने में जिसको बोल सकते हो, एक एक डाल से दूसरे दूसरे से तीसरे बर्ड्स जो है कूदते रहते हैं या फुदकते रहते हैं या होप करते रहते हैं, पर्च कर सकते हैं उसको। दे हैव विंग्स टू फ्लाई और उनके पास उड़ने के लिए पंख होते हैं, विंग्स होते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, जानवर जो हैं वे पौधे पर निर्भर करते हैं और दूसरे जानवरों का भोजन करते हैं। एनिमल्स लाइक काउस हॉर्सेस प्लांट सॉरी एलिफेंट्स गॉड्स एट प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हार्वीवोरस एनिमल्स। एनिमल्स जैसे गाय घोड़ा हाथी बकरी ये सभी के सभी क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, इसीलिए इनको इन जानवरों को हर्बीवोरस कहा जाता है। एनिमल्स लाइक लायन टाइगर क्रोकोडाइल एट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। जानवर जैसे लायन टाइगर क्रोकोडाइल ये सभी क्या हैं, दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, इसीलिए इनको कार्निवोरस कहा जाता है। बच्चों अभी हम लोगों ने देखा था हार्वीवोरस, तो ये जो है हार्वीवोरस एनिमल्स हैं, एलिफेंट हॉर्स गॉट काउ। एनिमल्स लाइक बियर एंड क्रो एट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ये देखिए ये बियर है और ये क्रो है, ये दोनों ही प्लांट भी खाते हैं और दूसरे जानवरों के फ्लैश यानी मांस भी खाते हैं, तो ऐसे जानवर को हम ओमनिवोरस कहते हैं। ये देखिए ओमनिवोरस लिखा हुआ है। एनिमल्स लाइक हायनास एंड वॉल्चर्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्केवेंजर्स। इन ए वे दे क्लीन द फॉरेस्ट्स। बच्चों ये देखिए वॉल्चर है जो मरे हुए जानवरों के मांस को खाता है, इसी तरह का एक हायनास भी है वो भी मरे हुए जानवरों के मांस को
खाता है, और जो मरे हुए जानवरों के मांस को खाते हैं उनको स्केवेंजर्स कहते हैं। और इस तरह से यानी कि मरे हुए मांस को खाते हैं तो ये फॉरेस्ट को साफ करने में भी हेल्प करते हैं। हाउ डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स कैसे खाते हैं? डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। द पार्ट ऑफ एन एनिमल्स माउथ इज सूटेड टू द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स। डिफरेंट जानवर्स जो हैं अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, और एनिमल्स के जो पार्ट होते हैं जैसे माउथ, तो माउथ जो है भोजन को खाने के लिए सूटेबल है, यानी कि एनिमल्स जो हैं अपने माउथ से भोजन को खाते हैं। हर्बीवोरस लाइक काउज एंड बफेलोज हैव शार्प एंड ब्रॉड टीथ टू कट ग्रास एंड लीव्स। दे स्वैलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग इट। व्हेन दे रेस्ट दे ब्रिंग दिस फूड बैक इनटू देयर माउथ। दे देन च्यू इट विथ देयर ग्राइंडिंग टीथ। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड। हर्बीवोरस एनिमल काऊ और बफेलो ये सभी का जो टीथ होते हैं वे काफ़ी शार्प और चौड़े होते हैं, जिससे कि वे ग्रास और लीव्स को कट कर लेते हैं और उसको भोजन के रूप में बिना चबाए निगल जाते हैं। और जब वे रेस्ट करते हैं तो उस वक्त उनका जो भोजन होता है जो पेट में चला जाता है वो फिर से उनके मुंह में आता है, और वे उस समय च्यूइंग करते रहते हैं, और च्यूइंग करते हुए यानी उनका जो भोजन डायरेक्ट निगल गए थे घास और लीव्स को, वह फिर से वे चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में वो फिर से उनके स्टोमिक में जाता है, और इस तरह से उनका जो टीथ है उनका फूड को और पतला करने में यानी कि सॉफ्ट करने में सहयोग करता है। और यह सहयोग कैसे होता है? च्यूइंग करने के दौरान, इसीलिए इनको कहा जाता है च्यूइंग द कड। यहाँ देखिए एक काऊ है जो च्यूइंग कर रही है। कार्निवोरस हैव शार्प पॉइंटेड एंड स्लाइटली कर्व्ड टीथ। कार्निवोरस के दांत जो होते हैं वे तेज होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, और स्लाइटली कर्व्ड होते हैं। कर्व्ड यानी थोड़ा मुड़ा हुआ। दिस हेल्प देम टू टीयर फ्लैश। और यह जो टीथ होता है उन्हें फ्लैश को फाड़ने में यानी मांस को चीरने में हेल्प करता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ। उनके माउथ के पीछे में स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, यानी ग्राइंडिंग यानी पीसने वाला दांत होता है, मजबूत दांत होते हैं। दिस हेल्प देम टू च्यू बोन्स। और यह जो है उनको बोन्स को चबाने में हेल्प करता है। एनिमल्स लाइक स्क्विरल एंड रैबिट्स ईट फ्रूट्स एंड सीड्स। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ। जानवर जैसे स्क्विरल और रैबिट ये जो हैं फ्रूट्स को खाते हैं और सीड्स को, और इनका जो दांत होता है जो सामने का दांत होता है वो काफ़ी शार्प होता है, तेज होता है। फ्रॉग एंड लिजर्ड यूज देयर लॉन्ग एंड स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स। फ्रॉग और लिजर्ड के उनके
अपने लंबे और स्टिकी टंग होते हैं, टंग यानी जेब। जेब जो होता है फ्रॉग और लिजर्ड का, लंबे होते हैं और चिपचिपा होता है, जिससे कि वे इंसेक्ट को आसानी से पकड़ लेते हैं। दे देन स्वेलो देयर फूड, और तब वे अपने भोजन को निगल जाते हैं। बटरफ्लाइज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। लीचेस एंड मॉस्किटोज सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। लीचेस और मॉस्किटोज ये जो हैं दूसरे एनिमल्स के शरीर से ब्लड को चूस लेते हैं। अर्थवर्म्स स्वेलो द सॉइल दैट कंटेन्स प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। अर्थवर्म जो है वह मिट्टी को निगल जाती है, और उस मिट्टी में क्या होते हैं, प्लांट्स और इंसेक्ट होते हैं। बच्चों एक कार्निवोरस यानी ये जो है लायन कार्निवोरस एनिमल है, ये मांस को देखिए किस तरह से फाड़ कर काट कर खा रहा है, और यहाँ पर बटरफ्लाई है जो फ्लावर से नेक्टर को सक कर रही है, और यहाँ अर्थवर्म है जो सॉइल को निगल जाता है, और सॉइल में प्लांट्स और इंसेक्ट्स भी होते हैं। टेल्स ऑफ एनिमल्स, अब जानवरों के टेल्स के बारे में जानेंगे। मेनी एनिमल्स हैव टेल्स, दे यूज देयर टेल्स फॉर डिफरेंट पर्पस। बहुत से जानवर के टेल्स होते हैं, जैसे ये फिश का है, ये कंगारू है, ये स्क्विरल का स्क्विरल का टेल है, और ये पीकॉक है, और ये जो हैं अपने टेल्स का यूज़ डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। देखिए कैसे कैसे कौन यूज़ करता है। ए फिश यूजेस इट्स टेल फॉर स्विमिंग एंड चेंजिंग द डायरेक्शन। फिश जो है अपने टेल का प्रयोग तैरने में करती है और डायरेक्शन को चेंज करने में, यानी जब वह अपना दिशा चेंज करती है तो अपने टेल का यूज़ करती है। द थिक टेल ऑफ द कंगारू इनेबल्स इट टू मेंटेन इट्स बैलेंस। कंगारू जो है अपने टेल से अपने आप को बैलेंस करने में, संतुलित करने में सहयोग लेती है, यानी कंगारू जो है अपने आप को बैलेंस करने के लिए टेल का हेल्प लेती है। द लॉन्ग बूसी टेल ऑफ अ स्क्विरल हेल्प्स इट टू कीप बैलेंस वाइल लीपिंग एंड क्लाइंबिंग। जब स्क्विरल लीपिंग करता है या फिर चढ़ता है, क्लाइंबिंग करता है, तो उस वक्त बैलेंस करने के लिए यह अपना टेल का हेल्प लेता है। ए पीकॉक यूजेस इट्स टेल टू डांस। पीकॉक जो है अपने टेल्स का उपयोग डांस करने में करती है। काउज एंड बफेलोज यूज देयर टेल्स टू फ्लाई अवे बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट सीट ऑन देम। काऊ और बफेलो जो हैं अपना टेल का उपयोग फ्लाई को उड़ाने के लिए, यानी मच्छर मक्खी को उड़ाने के लिए करता है, या फिर उसके बॉडी पर बर्ड्स बैठ जाती है या इंसेक्ट बैठ जाती है, तो इनको उड़ाने के लिए ये अपने टेल्स का यूज़ करते हैं। ए मंकी यूजेस इट्स टेल टू स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। ये मंकी है, मंकी अपना टेल का उपयोग पेड़ पर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर जाने में करता है। ए डॉग यूजेस इट्स टेल इन डिफरेंट वेज। डॉग अपना पूंछ का उपयोग अलग अलग तरीके से करता है। इट विंग्स इट्स टेल्स व्हेन इट इज हैप्पी। इट वैग्स इट्स टेल्स व्हेन इट इज हैप्पी। जब यह खुश होता है तो यह अपना पूंछ को हिलाता है। इट पुट्स इट्स
टेल्स बिटवीन इट्स लेग्स व्हेन इट इज स्केयर्ड। जब यह यानी कुत्ता जो है डर जाता है तो अपना पूंछ को दोनों पैर के पीछे कर लेता है। एक्सटिंक्ट एनिमल्स यानी कि जो एनिमल विलुप्त होते जा रहे हैं। मेनी एनिमल्स हैव गॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड दे लिव्ड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। सम ऑफ देम आर डायनासोर्स मोमोथ डोडो एटेसे। बहुत से एनिमल्स हैं जो संसार से विलुप्त हो गए हैं और वे 100 साल पहले ये धरती पर रहा करते थे और उन एनिमल्स को हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। उनमें से कुछ एनिमल्स हैं डायनासोर्स, ये देखिए डायनासोर्स हैं, मामूथ, ये मामूथ है, और ये डोडो, ये अभी के समय में नहीं पाए जाते अर्थ पे, ये नहीं हैं, ये 100 साल पहले पाए जाते थे।